यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार ने हत्यारे को फांसी की सजा की मांग की है। आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो ये पूरा हत्याकांड क्या है, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह से एक शख्स अपनी प्रेमिका की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। परिवार की मांग है कि हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो अपने ही ढाबे लेकर जाता है, फ्रीजर में लाश को रखता है और हत्या के अगले दिन ही किसी और लड़की के साथ शादी रचा लेता है। हैरान कर देने वाला ये मामला, झकझोर देने वाला ये मामला। निकी यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है, ये अपडेट। कहते हैं मोहब्बत का आखिरी पड़ाव शादी होती है, लेकिन आज हम उस मोहब्बत की बात करेंगे जिसका आखिरी पड़ाव एक फ्रीजर था। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए हरियाणा से दिल्ली पहुंची निकी यादव को एक लड़के से प्यार होता है, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि निकी के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और लाश को एक फ्रीजर में छुपा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। श्रद्धा हत्याकांड के बाद दिल्ली में निक्की हत्याकांड हुआ। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर ढाबे के फ्रीजर में उसकी लाश छुपा दी। तो कहानी ये है कि हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली निक्की को दिल्ली के साहिल से प्यार हो जाता है। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, शादी के सपने देखने लगते हैं, लेकिन फिर साहिल का मन बदल जाता है, वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। बस इसी बात पर साहिल और निकी के बीच लड़ाई होती है और फिर निकी से पीछा छुड़ाने के लिए साहिल उसकी हत्या कर देता है। हत्या के 24 घंटे के अंदर ही साहिल इस दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। साहिल की सगाई पहले हो गई थी, अब शादी होने वाली थी और शादी से पहले साहिल निकी से मिलने उसके किराए वाले घर गया। पुलिस के मुताबिक निक्की का मूड ठीक करने के लिए साहिल उसे बाहर घुमाने लेकर जा रहा था, लेकिन उसका प्लान कुछ और था। उसने मौका पाते ही निक्की का कत्ल कर दिया। आरोपी साहिल गहलोत और निक्की यादव पिछले 5 साल से जीने मरने की कस्में खा रहे थे, लेकिन साहिल के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म था अगर उसके शादी के बारे में निक्की को पता चलेगा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपने एंगेजमेंट करने के बाद वो निक्की की हत्या कर उसे अपने रास्ते से हटा दिया और शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया ताकि बाद में उसे ठिकाने लगा सके। हत्या से कुछ घंटे पहले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 9 फरवरी को साहिल निक्की को लेने आने वाला था। उससे पहले सीसीटीवी में दोपहर 1 बजे निक्की को देखने गया। रात 9:30 बजे के आसपास निकी साहिल से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है। इसी वक्त उसे आखिरी बार सीसीटीवी में देखा गया था। घर से निकल रही निकी को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी के अब कुछ घंटे ही बचे हैं। साहिल के साथ उसकी कार में निकी घूमने निकलती है और तभी कश्मीरी गेट इलाके में कार के अंदर ही साहिल निकी की गला दबाकर हत्या कर देता है। फिर वहां से 40 किलोमीटर दूर मित्राव गांव के एक ढाबे के फ्रीजर में लाश को ठिकाने लगाता है। गहन पूछताछ करी हमने तो उसमें सामने आया कि उन्होंने डेड बॉडी को कंसील कर रखा है अपने ढाबे में, फ्रिज में एक में, और उसके बाद हमने आगे तफ्तीश करनी शुरू करी। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह दम घुटना बताया गया। अब निकी का परिवार साहिल को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। प्यार, एतबार और इकरार के बीच 5 साल के रिलेशन का एक फ्रीजर में जाकर अंत हुआ। फिलहाल आरोपी साहिल गहलोत पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।